श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास होता है, अलग ही महत्व रखता है। इस दिन चंद्र अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, पूर्ण कलाओं में होता है। यह दिन बहुत ही मान्यता रखता है क्योंकि इस दिन किए गए उपाय, कर्म, दान, धर्म अपनी एक मनोकामना को पूर्ण करता है और लोग उस दिन स्नान करके, दान करके और कई ऐसे उपाय करके अपने कर्मों के आधार पर फल प्राप्त करते हैं और इस दिन अपने किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति पाते हैं, मनवांछित इच्छा की प्राप्ति रखते हैं तो उन्हें प्राप्त करने के लिए उपाय भी करते हैं। आइए जानते हैं पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय। उससे पहले पूर्णिमा का क्या महत्व होता है वो हम बताते हैं आपको। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान दान आदि खास महत्व रखता है। बता दें कि इस साल माघ पूर्णिमा 16 फरवरी यानी बुधवार को मनाई जाएगी और ज्योतिषों के अनुसार इस दिन स्नान दान भी किया जाएगा। माता लक्ष्मी की खास कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आप कुछ उपाय जरूर कर लें। हम आपको बता दें कि इस दिन क्या उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आप पर अति प्रसन्न हो। माना जाता है कि अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो इससे मुक्ति के लिए आप दिन में माता लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ जरूर अर्पित करें। इस दिन कौड़ियों पर हल्दी से तिलक करके विधिवत पूजा करें। उसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में या फिर पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की पूर्ति बनी रहेगी। आप यह उपाय हर पूर्णिमा को करें। उन्हीं कौड़ियों को निकाल करके विधिवत गंगा जल से स्वच्छ करके फिर से पूजन किया करें। हर पूर्णिमा को इसी उपाय को उन्हीं कौड़ियों से करना है जिससे माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान रहेंगी। आपको अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। माघ मास की पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। पूजा के बाद मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए तो माता लक्ष्मी के आप मंत्र जाप जरूर करें। इसके साथ ही तुलसी में घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी को अर्घ देते समय आप उस जल में काले तिल और थोड़े से अक्षत के दाने, थोड़ा सा कुमकुम या फिर अबीर जरूर मिला लें। थोड़ा सा मीठा भी भोग में लगाया जाता है तो तुलसी के सामने भोग भी जरूर लगाएं। खीर का भोग लगाएंगे तो अति उत्तम माना जाएगा। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना ना भूलें। सुबह पीपल के वृक्ष में जल देते समय तिल उस जल में जरूर मिला लें और एक चुटकी आप शक्कर या फिर गुड़ जरूर मिला लें। शहद भी मिला सकते हैं। पीपल को जल जरूर अर्पित करें। साथ ही आप परिक्रमा करें। पीपल पर जल चढ़ाने के अलावा पीपल की पूजा भी बहुत महत्व रखता है तो पीपल पर आप लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, तिलक करें और विधिवत पूजन करें, भोग लगाएं। पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास होता है तो सुबह भी आप पूजा करें और शाम के वक्त भी पीपल के वृक्ष के नीचे घी की लंबी बाती वाला दीपक जरूर प्रज्वलित करके आएं। इससे आपके कष्टों का निवारण होगा, मनवांछित इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूर्णिमा को सुबह सुबह स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। तो किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करें और वहीं पर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान जरूर करें। चाहे वह आप अन्न का दान करें, धन का दान करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से दान कर सकते हैं। तुलसी को भी आप जल अर्पित करें, पीपल को जल अर्पित करें, जल अवश्य चढ़ाएं। इससे माता आप पर प्रसन्न रहेंगी और आप पर अन्न धन की हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। तो शिव शंकर की पूजा किस विधि से की जाती है, भोलेनाथ की आराधना करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, उसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है। उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा। यदि आपको पूर्णिमा के व्रत रखने हैं तो कितने व्रत रख सकते हैं और क्या विधि से कर सकते हैं पूजा, वो भी वीडियो हमने अलग से डाल रखा है। उस वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक
वीडियो में सारे उपाय बताना संभव नहीं हो पाता है, तो आप हमारे और भी वीडियो ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैमिली फ्रेंड्स में भेजिएगा ताकि और भी लोगों को इस उपाय की जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।